राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हमारी होने वाली है बिगनर्स के बैक के वर्कआउट के ऊपर। तो अपना वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को समझो कि अपना कोई भी वर्कआउट है, चाहे वो चेस्ट है, चाहे बैक है, चाहे लेग्स है, चाहे बाइसेप एंड ट्राइसेप्स, क्यों नहीं है, आपको सबसे पहले अपने जॉइंट्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपना 5 से 6 मिनट का वार्म अप सेशन रखें, जिसमें आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लाइट मूवमेंट कोई भी कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट की ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं या 2 से 3 मिनट की साइकिलिंग कर सकते हैं। तो अच्छे से वार्म अप करने के बाद जो आप अपनी पहली एक्सरसाइज करेंगे, उसका आप ऑलवेज पहला सेट जो होगा वो आप वार्म अप सेट करोगे, उसके बाद आप प्रेपरेशन सेट करोगे, उसके बाद आपके वर्किंग सेट आएंगे। तो वार्म अप सेट में आपने बिल्कुल मिनिमम वेट लेना है, 15 से 16 रेपिटेशन करने हैं, ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से वार्म अप हो जाए, मसल्स में अच्छा खासा ब्लड फ्लो हो जाए। उसके बाद प्रेपरेशन सेट में आपने थोड़ा वेट इंक्रीज़ करना है, फिर उसके बाद जो वर्किंग सेट है उसमें आपने अपने मसल को अच्छे से फटीग करना है। तो हमारा बैक वर्कआउट स्टार्ट होगा पहली एक्सरसाइज से, वो है लैट पुल डाउन से। ठीक है, एक चीज़ और समझो, हम जितना ज़्यादा वाइड ग्रिप रखेंगे उतनी हमारी इनर बैक पे जोर पड़ेगा, और जितना हम क्लोज ग्रिप रखेंगे उतनी हमारी आउटर बैक या लैट्स पे जोर आएगा। ठीक है, हमारी पहली एक्सरसाइज रहेगी लैट पुल डाउन, जिसमें हमारा पहला सेट रहने वाला है वार्म अप सेट 18 to 19 रेपिटेशन के लिए, फिर प्रेपरेशन सेट आएगा 13 to 14 रेप रेंज के लिए, फिर उसके बाद वर्किंग सेट रहेंगे 3, जो हमारे होने वाले हैं 10 से 12 रेप रेंज के बीच में, वेट इंक्रीज़ करते हुए कॉन्स्टेंटली। तो सबसे पहले आप जब लैट पुल डाउन करेंगे तो वाइड एंगल से पकड़कर, सबसे पहले तो आपने अपने शोल्डर्स को या शोल्डर ब्लेड को वार्म अप करना, उसके लिए आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इस मूवमेंट को ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने अपने शोल्डर ब्लेड्स को वार्म अप करना है, फिर उसके बाद कुछ लोग इसमें ऐसे करते हैं कि पूरा स्ट्रेट फॉर्म ले लेते हैं, यहाँ पे आपका थोड़ा मसल माइंड कनेक्शन बनने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप बिगनर हो। तो इसकी जगह मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा लीन टूवर्ड्स बैक, अब इसको अपने चिन के थोड़ा सा नीचे तक लेके आए और स्लोली छोड़े। फिर अब कुछ लोग क्या करते हैं, फास्ट लेके आएंगे, फास्ट छोड़ेंगे, अब इसमें आपकी फॉर्म भी ख़राब हो सकती है और बैक पे थोड़ा एक्स्ट्रा जोर भी आ सकता है। देखो, मसल पे जोर आना ठीक है, लेकिन बैक पे या स्पाइन पे जोर आना ठीक नहीं। अब इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लीन टूवर्ड्स बैक, स्लो आप डाउन लेके जाएंगे, स्लो आप अप लेके जाएंगे। अब इसमें आपने अपना एल्बो का जोर नहीं लगाना, जितना ज़्यादा हो सके आपने अपनी लैट्स से इसको वेट को खींचने की कोशिश करनी है। अब कुछ लोग इसमें ये मूवमेंट ऐड करते हैं, अब ये एडवांस के लिए तो सही है, लेकिन बिगनर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि एडवांस का माइंड मसल कनेक्शन भी एडवांस लेवल पर होता है। आपके लिए जो एक एडिक्वेट मूवमेंट रहेगी वो ये लीन टूवर्ड्स बैक और स्लोली पुल डाउन एंड स्लो रिलीज, स्लो पुल डाउन स्लो रिलीज। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है वो मेरी भी फेवरेट है, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि जो मेरे लैट्स हैं उस पर बहुत अच्छा स्ट्रेस आ रहा है, वो होगी हमारी वी बार लैट पुल डाउन्स। लैट पुल डाउन्स का ही एक वेरिएशन है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जितनी ज़्यादा क्लोज ग्रिप रहेगी उतना आपके आउटर बैक पर स्ट्रेच अच्छा आएगा। अब आपकी अगर सेकेंड एक्सरसाइज है तो आपको वार्म अप सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रेपरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें वही थोड़ा सा लीन टूवर्ड्स बैक रहना है, अब स्लो आप अपनी तरफ इसको खींचेंगे और स्लो ही छोड़ेंगे, जितना कम आप इसमें जर्क देंगे उतना बेनिफिशियल होगी आपके लैट्स के लिए मूवमेंट। सेम आप 3 से 4 सेट इसके निकाल सकते हैं, पहला प्रेपरेशन सेट, उसके बाद 2 या 3 आप वर्किंग सेट कर सकते हैं इसके। अगली एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है टी बार रोइंग। अगर आपके पास या आपके जिम में टी बार रोइंग मशीन नहीं है तो आप ऐसे ही एक बार निकाल के, बारबेल निकाल के कहीं भी कॉर्नर में फिट कर सकते हैं और वेट डाल के अपना टी बार रोइंग कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे रोम्बॉइड पर फोकस करती है। ये करने से पहले ये याद रखना कि आपकी बैक अच्छे से वार्म अप हो, इसको स्टार्टिंग में या पहली एक्सरसाइज की तरह इसको ना लें, ये दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज हो आपकी तभी ज़्यादा सही रहेगी।
तो इस एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने एक बेल्ट अपने बैक पर यूज़ करेंगे, जिससे आपको एक एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल पुश मिलेगा, ठीक है। बट वेट लाइट है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने लगानी है बेल्ट। अब इसमें आपने ऑलमोस्ट इतना बेंड होना है, ठीक, बैक पर अंदर को कर्व रहेगा, ना कि ऐसे, अंदर को कर्व रहेगा बैक, ठीक। अब एक बार आपने इसको पुल कर लिया, अब आपकी जो बैक जिस पोजीशन में उससे नहीं हिलना है, बस अपने जो लैट्स हैं लैट्स से उसको लैट्स को नीचे करना है, लैट से ही ऊपर। जितनी स्लो एंड स्टडी मूवमेंट होगी उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके लैट्स के लिए, आपके रोम्बॉइड्स के लिए। और सिर्फ इस पोजीशन पे आके रुकना नहीं है आपने, इसको पूरा आपने जितना अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं उतना अच्छा स्ट्रेच देना है, और उतने अच्छे से फील करके ये एक्सरसाइज लगानी है आपने। जितनी स्लो करेंगे उतना अच्छा आपके रोम्बॉइड पर ये असर डालेगी। अगली एक्सरसाइज जो हमारे होने वाली है वो होने वाली है बारबेल बेंट ओवर रोइंग। ये एक्सरसाइज भी हमारे रोम्बॉइड्स को ही ट्रेन करती है। इस एक्सरसाइज के ऊपर मैंने लेटेस्ट शॉट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो इसको सही करने का तरीका, और इसका एक मैंने अल्टरनेट भी बना रखा है, तो उस शॉट को देखो। हम मूव ऑन करते हैं इससे अगली एक्सरसाइज के लिए ऊपर, जो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने जो लेग्स हैं वो अपने शोल्डर लेंथ पर खोलेंगे, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, सूमो डेडलिफ्ट में अपने जो लेग्स हैं वो अपने शोल्डर लेंथ पर खोलेंगे, जो आपके हाथ हैं उसको अपने जस्ट लेग से थोड़ा बाहर पुश करेंगे रखेंगे, और बार को अपने शिन के क्लोज लेके आएंगे, ज़्यादा क्लोज नहीं, नहीं तो शिन छिल भी सकती है आपकी। अब लोग जनरली इसमें, कुछ लोग, सारे नहीं, पूरा बैठ जाते हैं, ये नहीं करना है। पूरा बैठ जाएंगे तो आपका लेग्स का वर्कआउट भी साथ में होने लगे, आप अपने बैक का वर्कआउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी बैक में आर्क बनाएं, लेग्स को थोड़ा सा ही फोल्ड करें, ज़्यादा नहीं, और अपने ग्लूट्स को पीछे फेंकें, बस जितना पीछे को स्ट्रेच हो सकता है वो करें, अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच करें। अब ये पूरा नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हुई बात बैक की। बैक में एक और हमारा मसल आता है, वो होता है ट्रैप। है अलग मसल है बट बैक में ही काउंट होता है, साथ ही साथ एक रियर डेल्ट मसल भी है, आता शोल्डर में है बट बैक में भी वो काउंट होता है। तो रियर डेल्ट तो मैं शोल्डर के दिन ही लगाता हूँ, बट ट्रैप्स मैं बैक के साथ लगाता हूँ, क्योंकि ओवरऑल आपकी बैक ट्रेन हो जाती है। साथ ही में ट्रैप्स के लिए मैं डंबल श्रक्स करता हूँ और बिहाइंड द बैक बारबेल श्रक्स करता हूँ। जो अपना ट्रैप मसल होता है वो अच्छा खासा एक बड़ा मसल है, वो एक अच्छा खासा वेट भी कैरी कर सकता है, तो अपने ट्रैप्स को कोशिश करें हैवी वेट से ट्रेन करने के लिए। बट मैं लाइट वेट में दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को दिखाना है वीडियो में। देखो अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें ऊपर लेके आते हैं और पीछे लेके जाते हैं, या ऊपर लेके आते हैं फिर ऐसे घुमाते हैं, ये हमने बिल्कुल नहीं करना है, हमारे रोटेटर काफ को इंजर कर सकता है। आपने क्या करना है, सिंपली ऐसे पूरा हाथ ढीला छोड़ना है, अब अपने ट्रैप से इसको ऊपर खींचना है, और जब ऊपर करें तो अपने हल्की सी अगर एल्पो आप ऊपर कर लेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी। अब आपने पूरा स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच के वक्त मतलब आपने पूरा छोड़ देना है। अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हल्का सा एल्बो अगर आप ऊपर को लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, और वो आपके लिए हेल्पफुल ही है, ठीक है। अब स्ट्रेच किया, ऑलमोस्ट 14 से 16 रेपिटेशन करें इसके। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी ट्रैप्स की बिहाइंड द बैक बारबेल श्रक्स, वो मैं जनरली स्मिथ मशीन पे करता हूँ क्योंकि ऐसे मेरे लिए स्टेबल करना बारबेल को थोड़ा मुश्किल। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी ट्रैप्स की, वो होने वाली है हमारी बिहाइंड द बैक बारबेल श्रक्स, जो कि मैं स्मिथ मशीन पे करना थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबल समझता हूँ, क्योंकि नॉर्मल रॉड पता नहीं सब कंट्रोल कर लेते होंगे, मेरे से नहीं होती है कंट्रोल बिहाइंड द बैक पोजीशन में। तो अब इसमें भी वही है, जितना कॉन्ट्रैक्ट हो सके उतना तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करना ही है, बट उसके बाद आपने हल्का सा अपने एल्बो से पुश लेके कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद आपने अच्छा खासा एक स्ट्रेच लेना है, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद स्ट्रेच। अब इस तरह के आपने 12 से 14 रैप करने हैं और अच्छे खासे वेट के लिए करने हैं, ठीक है।
चार से पाँच सेट। तो यहाँ पर हमारा बैक का वर्कआउट ख़त्म होता है। एक चीज़ याद रखना, बैक हमारा बहुत बड़ा मसल है, तो दो या तीन एक्सरसाइज में ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कर भी सकता है अगर आप नवे हो तो, अगर थोड़े पुराने हो चुके हो तो बैक आपका वर्कआउट, बैक मसल आपका दो से तीन वर्क एक्सरसाइजेज में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो कम से कम पाँच एक्सरसाइजेज या चार एक्सरसाइजेज लगाया ही करो बैक की। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक का बटन भी दबा देंगे। शुक्रिया। जय श्री राम।